गुड मॉर्निंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैं सवाल करा रहा था, फिर से आज एक क्वेरी आई है क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, जिसमें पॉइंट नंबर 3 रेज किया गया है क्वेरी के रूप में। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप स्टडी कर रहे हैं एंड कीप कंटिन्यू दिस मोमेंटम। हम सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसका सलूशन आपको दे चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे सवाल नंबर 9 और उसका सलूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। और फिलहाल हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, 2014-15 इक्विटी डिबेंचर 10% और 8%। सर 10% डिबेंचर्स का मतलब क्या है, इन डिबेंचर्स पर ब्याज 10% मिलेगा। 8% डिबेंचर्स का मतलब हुआ इन डिबेंचर्स पर ब्याज 8% मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 13,000, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स 40,000। कोई कठिनाई नहीं है। इस पॉइंट पे क्वेरी आई है, क्वेरी आपके ही क्लास के स्टूडेंट ने पूछी है। पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द ईयर 14-15 बोनस शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स। आप कॉन्सेप्ट समझिए, बोनस शेयर का मतलब होता है हम सामने वाले को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, हमें कैश नहीं मिल रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4:1 का मतलब हुआ 4 के बदले में 1, गलती ना हो जाए, 1 के बदले में 4 नहीं, 4 के बदले में 1। सवाल देखिए, सवाल में शेयर्स दे रखे हैं, शेयर्स जो दे रखे हैं वो शेयर्स हैं टोटल 4 लाख। कितने हैं, 4 लाख। अब 4 के बदले में जब आप 1 देते हैं तो ऑब्वियसली 4 लाख के बदले में कितने देंगे, 1 लाख। ये कौन से शेयर्स हो जाएंगे, बोनस शेयर्स। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया 4:1। आगे वाला मूल शेयर रहेगा, बेसिक शेयर, और 1:1 का मतलब होगा 4 के बदले में 1। यहां लिख देता हूं 4 के बदले में 1 देंगे, क्या देंगे, शेयर देंगे। तो क्या बोनस शेयर्स की एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी, नहीं। तो फिर ये एडजस्टमेंट क्यों दिया, बहुत ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है। अगर ये बात पता नहीं हो कि कैश फ्लो में नहीं आएगी तो गलती क्या होगी वो बताता हूँ। सवाल में देखिए, इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 4 लाख और बढ़ के होगा 6 लाख। अगर किसी को ये वाली लाइन ही समझ में नहीं आए तो वो लिख देगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹2 लाख और वो दे देगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और आंसर हो जाएगा 0, मार्क्स भी मिलेंगे 0। क्यों, क्योंकि उसको 2 लाख नहीं लेना है। 4 लाख से शेयर्स कितने हुए, 6 लाख, ध्यान दीजिए, 4 लाख से शेयर्स आपके बढ़ के कितने हुए, 6 लाख। तो तुरंत स्टूडेंट को बोलना चाहिए, नहीं सर, इसमें से जो 1 लाख शेयर्स हैं वो तो फ्री में गए हैं, हमें कैश नहीं मिला है। तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 लाख नहीं लेंगे, बल्कि कितना लेंगे, 1 लाख। 1 लाख इसलिए लेंगे क्योंकि इस 2 लाख में 1 लाख शेयर्स तो वो हैं जो बोनस शेयर हैं, 1 लाख शेयर्स तो बोनस हैं, और 1 लाख जो हैं, 1 लाख है उसके बदले में हमें क्या मिला है, कैश मिला है। तो ये जो बोनस शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स की एंट्री नहीं होती है क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सर बोनस शेयर का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग के आधार पर कंपनी जब एक्स्ट्रा रिजर्व्स होती हैं तो बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देती है, उसको बोनस शेयर बोलते हैं। यहाँ पर कंपनी 4 के बदले में 1 दे रही है, इसका मतलब 4 लाख के बदले में 1 लाख और बढ़कर कितना हुआ है, 2 लाख, तो डिफरेंस हुआ 2 लाख। सारे स्टूडेंट अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इनफ्लो में कितना दिखाते, 2 लाख, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद वो कितना दिखाएंगे, 1 लाख, और बोलेंगे बोनस शेयर की एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होती क्योंकि वो वाकई में कैश हमें नहीं मिल रहा है। इसमें एक वर्ड यू लिखा है बाय कैपिटल रिजर्व, इसका भी मतलब समझिए। क्या होता है कि जब बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास, जैसे अब कैपिटल 4 है, 4 के बढ़ के कितनी हुई 5, फिर कितनी हुई 6, फिलहाल हम ये समझ लें कि 4 की कैपिटल बढ़ के कितनी हुई 5, मतलब 1 लाख के जो हैं वो क्या आ गए हैं, बोनस शेयर्स आ गए। तो इतने ही अमाउंट का हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन कहाँ से होगा, रिजर्व से होगा, उतने ही पैसे के रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर रिजर्व 2 थे तो रिजर्व 1 कम होगी, कितना हो जाएगा, 1, टोटल कितनी हो जाएगी, 6। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले क्या था, 4 लाख थे, रिजर्व कितना था, 6। अब सिचुएशन बदल के क्या हो गई, 4 की कैपिटल कितनी हो गई, 5 हो गई, रिजर्व कितने हो गए, 2। टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया,
और चीज़ भी वही की वही रही, इसीलिए इंग्लिश में बोला गया है कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। बोनस शेयर में कैपिटलाइजिंग द रिजर्व का मतलब है हमारे रिजर्व उतने अमाउंट से कम होकर कहाँ जुड़ जाते हैं, कैपिटल में। चार और दो, चार बढ़ के कितना हुआ पाँच, तो दो घट के कितना हो गया एक, और टोटल वापस कितनी पहुंच गई छः और छः। इसको इंग्लिश भाषा में बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब हम इसी सवाल को कंटिन्यू कर रहे हैं, साइड में मेरे पास जगह भी है तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है ये, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हेडिंग डाल दीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये कौन सा कौन सवाल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसकी कौन सी एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेडिंग क्या डालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हेडिंग डाली है आपने, हेडिंग डालने के बाद आप बिल्कुल सिंपल जाइए, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, और एक फाइनल अमाउंट हो गया नेट अमाउंट, ये अमाउंट है और ये नेट अमाउंट है। चलिए इसका नाम क्या लिख दें, हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सवाल को करते हैं। शेयर्स 4 लाख के 6 लाख हुए मतलब 2 लाख, पर बोनस कितना है 1 लाख, 1 लाख की एंट्री नहीं होगी तो कितने की होगी 1 लाख। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसमें बोनस नहीं आएगा, मैंने क्रॉस कर दिया है, इसलिए फिगर कितना आएगा बच्चों 1 लाख रुपए। अगला पॉइंट है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो हैं वो 1 लाख से जीरो हो गए, मतलब हमने उनको पे कर दिया, तो इसको बोलेंगे अंग्रेजी में रिडम्शन या पेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो ये 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये जा रहा है, रिडम्शन, बैलेंस कम हो गया। फिर लिखा है 8% डिबेंचर, इसका नाम लिख दीजिए 10%, क्योंकि डिबेंचर का नाम 10% है। फिर 8% डिबेंचर जो हैं वो 0 से 2 लाख हो गए, तो 8%। अब ये लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है बोनस को छोड़कर। तो इनफ्लो का फिगर कितना हो जाएगा, 2 लाख, प्लस में चलेगा क्योंकि हमने शुरू से नियम बनाया है, प्लस वाला 2 लाख और ब्रैकेट वाला माइनस। एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट जब आप पे करते हो, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, और इंटरेस्ट जब हमको मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग होती है, तो अभी हमको इंटरेस्ट क्या करना पड़ रहा है, पेड, वो कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ लिख लीजिए, इंटरेस्ट अगर रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, रट जाइए, और इंटरेस्ट अगर पे करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड अगर पे करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये आप गोल्डन रूल बना के जाइए, कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। यहाँ फिलहाल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहा है, आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, और हम कौन सी एक्टिविटी बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग, इसलिए ये इसमें शामिल होगा। कितने रुपये से शामिल होगा, 13,000 रुपये से, माइनस का साइन जाएगा। फिर लिखा है डिविडेंड पेड, फिर वही बात आ गई, डिविडेंड पेड, डिविडेंड मिलता तो इन्वेस्टिंग था, पेड हमेशा फाइनेंसिंग होगा, रट के जाइए बिल्कुल पक्का। कितने रुपए से कर रहे हैं, 40,000 रुपए से कर रहे हैं पे। अब कुछ बच रहा है क्या, नहीं, कैपिटलाइजेशन का पॉइंट हम कर चुके हैं। चलिए जरा जोड़ लगाइए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना, 2 लाख, और 2 लाख में से आपका 53,000 गया, तो आंसर बचेगा, नेट फिगर आएगा 1,47,000, और वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये फिगर इनफ्लो का है, ये आउटफ्लो का है, ये इनफ्लो का है, ये आउटफ्लो का है, ये आउटफ्लो का है, और बड़ा आंसर किस में आ रहा है, प्लस। इसका नाम क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इस तरीके से फिगर कितना आएगा, 1,47,000। आपको मैं रिपीट कर दूं, जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था वो ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 4:1 कैपिटलाइजेशन क्या है, तो इसका मतलब बोनस शेयर है, 4 लाख से 6 लाख शेयर हुए मतलब 2 लाख बढ़े, लेकिन हमें कैश इन फ्लो में सिर्फ 1 लाख दिखाना है, क्योंकि बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर करा कि शेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी और रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम, और बैलेंस शीट की टोटल सेम रहेगी, जिसका कैश इन फ्लो पे इफेक्ट नहीं होगा।
सर यही एडजस्टमेंट अगर फंड फ्लो में होता तो क्या होता, इफेक्ट होता, क्योंकि फंड फ्लो नॉन कैश आइटम को भी लेता है। पर चूंकि अभी हमारा फोकस कैश फ्लो पे है तो याद रखिए बोनस शेयर का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से हमने इशू ऑफ शेयर करा, डिबेंचर करा, 8% डिबेंचर लिया, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और आखिरी में अल्टीमेटली हमारा आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,47,000। एक चीज़ और याद करा दूँ, इंटरेस्ट जब मिले और डिविडेंड जब मिले तो रट लें कि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और जब इंटरेस्ट और डिविडेंड आप दें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। सर लॉजिक, लॉजिक दे देता हूँ। आपने किसी कंपनी में शेयर्स लगाए, पैसा लगाया शेयर्स में, तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करा, तो इन्वेस्ट करने पर या तो डिबेंचर में करेंगे तो ब्याज मिलेगा, बैंक में करेंगे तो ब्याज मिलेगा, और अगर शेयर्स में करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, मतलब लगाने पर मिलता है, इसलिए उसका नाम इन्वेस्टमेंट। और चूंकि हमने कर्जा ले लिया है और अब हम कर्जे का ब्याज चुका रहे हैं इसलिए वो फाइनेंसिंग, इसीलिए वो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा और सवाल को कीजिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।